बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 21। टॉपिक हमारा है दिहानी गाइड्स रिवेंज, शहद के रहबर का इंतकाम। सब टॉपिक हमारे पास है क्वेश्चन आंसर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ डिड द हनी गाइड हेल्प। हनी गाइड कैसे हेल्प करता है जिन चाइल्ड फाइंड हनी। शहद के रहबर ने शहद ढूंढने में जो है जिंजाइल की हेल्प कैसे की, उसकी मदद कैसे की। द हनी गाइड, शहद के रहबर ने पॉइंटेड आउट इशारा किया या निशानदेही की द ट्री, उस दरख्त की, ऑन विच, जिस पर द बी हाई वाज लोकेटेड। बी हाई छत्ता वाज लोकेटेड वाक्य था, जिस पर छत्ता मौजूद था उस दरख्त की निशानदेही की, और इस तरह उसने जिंजाइल की हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कुड जिंजाइल हैव फाउंड, क्या जिंजाइल पा सकता था द बी हाई छत्ता ऑन हिज ऑन, क्या वो खुद मक्खियों का जो छत्ता था क्या वो खुद तलाश कर सकता था। नो, आंसर हमारे पास है नो, जिंजाइल कुडंट हैव फाउंड, जिंजाइल जो है वो नहीं तलाश कर सकता था द बी हाइव मक्खियों का छत्ता ऑन हिज ऑन, खुद जो है वो नहीं तलाश कर सकता था। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज लोकेटेड, क्योंकि ये मौजूद था, वाकया था, अमंग दरमियान थिक ब्रांचेस एंड लीव्स, गहरी शाखों और पत्तों के दरमियान जो है ये मौजूद था, इसलिए वो खुद इसे तलाश नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाई डिड जिंजाइल डिडंट फॉलो द यूजुअल कस्टम ऑफ गिविंग। जिंजाइल ने जो है पैरवी क्यों नहीं की, फॉलो क्यों नहीं किया उस कस्टम को, उस रस्म को, ऑफ गिविंग देने की रस्म को। एंजर्ड सम ऑफ द हनी, कुछ शहद एंजर्ड को देने की, जो बर्ड परिंदा है एंजर्ड, उसको देने की जो है वो रस्म, उसकी पैरवी उसने क्यों नहीं की, उसको फॉलो क्यों नहीं किया। द आंसर इज बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था इट फॉर ऑल, इट ऑल फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो सारे का सारा जो शहद था वो सिर्फ अपने लिए ही चाहता था, वो चाहता था कि वह खुद ही सारा शहद जो है हनी अपने पास रखे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ डिड द हनी गाइड, हनी गाइड ने कैसे लिया है कैरी आउट हिज रिवेंज। रिवेंज नहीं, ये जो रिवेंज है आर ई वी एन जी, रिवेंज। हनी गाइड ने जो है अपना बदला कैसे लिया। आंसर है हमारे पास, हनी गाइड लर्ड जिंजाइल, हनी गाइड ने उसको झांसा दिया, जिंजाइल को फंसाया विद हिज कॉल, अपनी पुकार पर, एंड देन, और फिर इंस्टेड की बजाय ऑफ लीडिंग हिम, उसे ले जाने की बजाय कहाँ पर हुआ, बी हाइव मक्खियों के छत्ते की तरफ ले जाने की बजाय ही लेड हिम, उसे ले गया टू अ लियोपर्ड, एक चीते के पास जो है उसकी जगह पे, उसकी प्लेस पे ले गया। जिंजाइल वाज सीवियरली वाउंडेड, वाउंडेड होता है जख्मी होना, सीवियरली बुरी तरह से जो है जिंजाइल जख्मी हुआ। इन दिस इनकाउंटर, इस सारी मर्द भीड़ में जो है इनकाउंटर में जो है वो बुरी तरह जख्मी हुआ। एंड दस दी हनी गाइड कैरीड आउट हिज रिवेंज, और इस तरह जो है शहद के रबर ने अपना बदला ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज द लेसन दैट, क्या सबक मिलता है दैट जिंजाइल एंड हिज चिल्ड्रन, जिंजाइल उसके बच्चों को विल ऑलवेज रिमेम्बर, कि वो उसे हमेशा याद रखें, उसके लिए उन्हें क्या सबक मिलता है। द जिंजाइल एंड हिज चिल्ड्रन, जिंजाइल और इसके बच्चे विल ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखेंगे, टू गिव, देने के लिए, द हनी गाइड, हनी गाइड शहद के रैबर को हिज ड्यू, उसका हिस्सा, एंड नेवर, और कभी भी ट्राई, और कभी नहीं ट्राई टू टेक एडवांटेज, और कभी नहीं कोशिश करेंगे फ़ायदा लेने की ऑफ सम बॉडी, किसी से, मीन्स किसी से ज्यादती करने का वो सोचेंगे भी नहीं। दे थिंक ऑफ एज स्मॉल एज वीट, के जिसे वो छोटा और कमज़ोर समझते हैं उससे ज्यादती करने का वो कभी भी नहीं सोचेंगे, और उनका जो शेयर है उनका हिस्सा जो है वो लाजमी रखेंगे। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए।